हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो नोमेनक्लेचर टॉपिक चल रहे हैं जिसमें आईयूपीएसी सिस्टम के थ्रू जो नोमेनक्लेचर है वो ऑलमोस्ट मैंने सारे ग्रुप के आपको बता दिए हैं। इसके बाद जो अभी तक जितने भी टॉपिक जितने भी नोमेनक्लेचर पढ़े हैं वो एक एक ग्रुप वाले, मतलब जो कार्बन चेन के साथ में एक ग्रुप लगा हुआ है, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कीटोन हो, एल्डिहाइड हो, अल्कोहल हो, तो वो एक एक ग्रुप वाले नोमेनक्लेचर थे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक ये है, इसमें क्या है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें जो है मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप हो, मतलब एक ग्रुप से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप वाला अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तब हम उस कंडीशन में किधर से मतलब किस तरीके से उसका नामकरण करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। तो उसके लिए आपको ये जो प्रायोरिटी दिया हुआ है, जो मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो प्रेफरेंसेस हैं कि हमें सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किस ग्रुप को देनी है, प्रायोरिटी पे किसको रखना है, तो वो ये सीक्वेंस दिया हुआ है कि जैसे आप जितने भी सिंबल ये दिए हुए हैं, तो आई होप आप सभी सिंबल को पहचानते होंगे कि जैसे COOH है यानी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, CHO है यानी कि एल्डिहाइड है, CO कीटोन है, ये OH अल्कोहल है, एमीन है, और उसके बाद ये डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन है और एल्काइन है। तो इस सीक्वेंस को आप अगर याद रखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी कि किस तरीके से अगर ज़्यादा ग्रुप वाला कोई हाइड्रोकार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसको हम किस तरीके से उसका नोमेनक्लेचर करेंगे, क्योंकि हम इसी के बेस पे फिर उनका मतलब उनकी नंबरिंग करेंगे, उनको इसी बेस पे प्रायोरिटी देंगे। तो सबसे बड़ा जो ग्रुप होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यानी कि अगर किसी कार्बन चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दिया हुआ है और साथ में एल्डिहाइड भी दिया हुआ है, तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से कार्बोक्सिलिक एसिड पास में पड़ रहा होगा, मतलब जो प्रायोरिटी जो है वो हम कार्बोक्सिलिक एसिड को देंगे। अगर किसी कार्बन चेन में एल्डिहाइड है और एल्कोहल है, तो हम प्रायोरिटी देंगे एल्डिहाइड को, क्योंकि एल्कोहल से बड़ा एल्डिहाइड है। तो इस सीक्वेंस को आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा ग्रुप जो मतलब जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस हम देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को, उसके बाद एल्डिहाइड को, कीटोन को, एल्कोहल, एमीन, डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड। बाकी का जो मतलब जो सब फंक्शनल ग्रुप होते हैं, यानी कि जिनको हम प्रीफिक्स की तरह यूज़ करते हैं, जैसे एल्काइल ग्रुप हो गया, एल्काइल ग्रुप जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है एल्काइल ग्रुप, मतलब एल्काइल से मतलब है मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, प्रोपाइल, तो इनको हम इनके बाद ही प्रेफरेंस में रखते हैं। हेलोजन हो गए, हेलो ग्रुप, ये प्रीफिक्स की तरह यूज़ होते हैं, प्रीफिक्स मतलब पूर्व लग्न, और ये सभी जो हैं ये सफिक्स की तरह यूज़ होते हैं, यानी कि बाद में। एक इसमें एमिनो ज़रूर है जो कि प्रीफिक्स की तरह और सफिक्स दोनों की तरह यूज़ कर लिया जाता है, नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो। तो इन तीनों को ही हम प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं, प्रीफिक्सेस मतलब लगाते हैं, एल्काइल ग्रुप में मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, प्रोपाइल, या हेलोजन में क्लोरो, ब्रोमो, आइडो है, या फिर नाइट्रो को नाइट्रो प्रीफिक्स की तरह यूज़ करते हैं। तो ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे चल के अभी जो नोमेनक्लेचर हम करेंगे उनमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सीक्वेंस याद रखना है, इनको हम प्रीफिक्स की तरह यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो मेन पॉइंट है वो और मैं आपको बताती हूँ कि सबसे जो ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो एल्कोहल होते हैं, मतलब अगर कोई किसी कार्बन चेन में एल्कोहल भी दिया हुआ है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी दिया हुआ है या एल्डिहाइड भी दिया हुआ है, मतलब जो भी बड़ा ग्रुप दिया हुआ है, तो एल्कोहल जिसको हम OH से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एल्कोहल को हम वहाँ पे प्रीफिक्स की तरह लगाते हैं, प्रीफिक्स मतलब पूर्व लग्न, और प्रीफिक्स में इसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्सी, एल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी एंड एल्डिहाइड के लिए एल्डिहाइड, जो कि CHO से रिप्रेजेंट करते हैं हम, एल्डिहाइड के लिए लगाते हैं फॉर्माइल, फॉर्माइल एंड कीटोन, कीटोन जिसको हम CO से रिप्रेजेंट करते हैं, कीटोन के लिए लगाते हैं ऑक्सो। तो ये प्रीफिक्सेस तब यूज़ किए जाते हैं जब इनसे बड़ा ग्रुप अगर कार्बन चेन में प्रेजेंट है,
कोई कार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें अगर अल्कोहल है और अल्कोहल से बड़ा ग्रुप है तो फिर हम अल्कोहल का जो नोमेनक्लेचर करते हैं वो हम प्रिफिक्स की तरह यानी कि पूर्व लग्न की तरह लगाते हैं, यानी कि तब हम अल्कोहल को हाइड्रोक्सी लिखेंगे ना कि ऑल लिखेंगे। इसी तरीके से एल्डिहाइड, यानी कि एल्डिहाइड जो है वो सेकेंड नंबर पे ही आता है, यानी कि अगर किसी कार्बन चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है और एल्डिहाइड भी है तो हम फिर एल्डिहाइड का जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो वहाँ पे हम अल ना लगा के प्रिफिक्स में फॉर्माइल लगाएंगे, फॉर्माइल नाम लिखेंगे। इसी तरीके से कीटोन, कीटोन है, कीटोन से बड़े ग्रुप दो ग्रुप हैं, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और एक है एल्डिहाइड, तो अगर दोनों में से कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर हम कीटोन का नाम ऑक्सो लिखेंगे, ऑक्सो प्रिफिक्स की तरह इसका नाम लिखेंगे। तो ये पॉइंट आपको, ये जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यही नाम जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो ध्यान रखना है। तो ये इसमें लिख भी देती हूँ मैं, प्रिफिक्सेस व्हेन एज ए स्मॉल ग्रुप, जब ये ग्रुप स्मॉल ग्रुप की तरह होंगे तब ये प्रिफिक्स की तरह यूज़ होंगे। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद किस तरीके से नोमेनक्लेचर करते हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये इतना पॉइंट आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। आपको ध्यान रखना है कि अल्कोहल, अल्कोहल का जो प्रिफिक्स है वो हाइड्रोक्सी है, एल्डिहाइड यानी कि फॉर्माइल और कीटोन ऑक्सो। तो इसके बाद मैं एग्जांपल्स बताती हूँ आपको तो और क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल में फॉर एग्जांपल अगर दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COO H, ये एग्जांपल दिया हुआ है। तो इस एग्जांपल में क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि यहाँ देख रहे हैं दो ग्रुप हैं, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और एक है कीटोन ग्रुप। तो यहाँ पे इन दोनों में से सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जो कि अभी मैंने आपको जो सीक्वेंस बताया था उसमें बताया था मैंने कि सबसे बड़ा ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन। तो कीटोन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से छोटा ग्रुप है, तो नंबरिंग की जो प्रेफरेंस है वो हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की तरफ से रखेंगे। तो यानी कि नंबरिंग जो है वो हम इधर से करेंगे, तो 1, 2, 3, 4 ये है नंबरिंग। अब मैंने आपको बताया था कि जब कोई कीटोन हो गए और एल्कोहल हो गए और एल्डिहाइड हो गए, जब वो छोटे ग्रुप की तरह होते हैं कार्बन चेन में तो उनका नाम हम प्रिफिक्स की तरह लिखते हैं, उनका नाम जो है वो हम पूर्व लग्न यानी कि नाम से पहले जब हम नामकरण करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे तो उनका नाम जो है वो हम प्रिफिक्स की तरह लिखते हैं। और प्रिफिक्स में इनका नाम हम ओन या ऑल या फिर अल नहीं लिखते हैं, तब इनके नाम चेंज हो जाते हैं। कि जैसे कीटोन का नाम ऑक्सो लगाते हैं, एल्डिहाइड का नाम फॉर्माइल लगाते हैं और एल्कोहल का नाम हम हाइड्रोक्सी लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीसरी पोजीशन पर लगा हुआ है कीटोन ग्रुप, तो इसको हम जब प्रिफिक्स की तरह लगाएंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3-ऑक्सो, 4 कार्बन एटम की चेन है तो ब्यूटेन, और यहाँ पे ओइक एसिड लगा हुआ है तो ब्यूटेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। इसी तरीके से मान लिया एग्जांपल दिया हुआ है CH3 CH OH CH2 CH2 CHO। तो यहाँ देखा आपने कि एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है और एक एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। तो आपको पता है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो एल्कोहल से बड़ा ग्रुप होता है, तो एल्कोहल यहाँ पे छोटा ग्रुप है और एल्डिहाइड यहाँ पे बड़ा ग्रुप है। तो हम नंबरिंग जो है वो एल्डिहाइड की तरफ से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये नंबरिंग हो गई। और जब अल्कोहल यहाँ पे छोटे ग्रुप की तरह प्रेजेंट है तो इसका नाम जो है वो हम करेंगे किस तरीके से, प्रिफिक्स लगा के। और प्रिफिक्स यहाँ पे अल्कोहल के लिए क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4-हाइड्रोक्सी 5 कार्बन एटम की चेन है और एल्डिहाइड लगा हुआ है तो पेंटे नल, पेंटेनल इसलिए क्योंकि एल्डिहाइड लगा हुआ है, इसका नाम पेंटेनल
ये हो जाएगा। इसके बाद मान लिया एग्जाम्पल दिया हुआ है CHO CH2 COOH। तो एक तरफ लगा हुआ है एल्डिहाइड और एक तरफ लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बड़ा ग्रुप है और एल्डिहाइड छोटा ग्रुप है। तो नंबरिंग करने का जो तरीका है वो यही रहेगा, 1, 2, 3। और यहाँ पे एल्डिहाइड छोटे ग्रुप की तरह प्रेजेंट है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स की तरह इसको हम फॉर्माइल नाम लिखेंगे इसका। तो इसका नामकरण जो होगा वो 3-फॉर्माइल, 3 कार्बन एटम की चेन है, तो प्रोपे नोइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है तो ये प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। इसके अलावा और एग्जांपल बताती हूँ, CH3 CHOH CHOH दे दिया है मान लिया कीटोन ग्रुप CH3, तो ये कीटोन ग्रुप दे दिया है। तो और एल्कोहल दिए हुए हैं, 2 एल्कोहल दिए हुए हैं, तो यहाँ पे एल्कोहल कीटोन से छोटा ग्रुप है, तो हमें नंबरिंग इधर से ही करनी होगी क्योंकि कीटोन इधर से पास पड़ रहा है, इधर से दूर पड़ेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे एल्कोहल छोटे ग्रुप हैं तो इनको हम प्रीफिक्स की तरह इनका नाम लिखेंगे। तो जिस जिस पोजीशन पे लिखे हुए हैं एल्कोहल, तो पहले उन पोजीशन को लिख लेना है, 3, 4। 2 एल्कोहल लगे हुए हैं तो डाई, और एल्कोहल यहाँ छोटा ग्रुप है तो इसलिए हाइड्रोक्सी पेंटे, क्योंकि कीटोन ग्रुप लगा हुआ है तो पेंटे नोन ओन ग्रुप लग जाएगा। इस तरीके से इनका नाम हो जाएगा। इसी तरीके से मान लिया दिया हुआ है CH3 सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH2 COOH दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक बड़ा ग्रुप है, चाहे तो आप कार्बोक्सिलिक को इधर भी लगा सकते हैं और उधर भी, जिधर भी लगा होगा मतलब इधर साइड लगा हुआ है तो फिर हम इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर लगा हुआ है तो इधर से नंबरिंग करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे कीटोन जो है छोटे ग्रुप की तरह लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्सो। तो इसका नामकरण जब हम करेंगे तो 3, 4, 2 लगे हुए हैं इसलिए डाई ऑक्सो, और यहाँ पे ओइक एसिड लगा हुआ है 5 कार्बन एटम की चेन के साथ, तो पेंटे नोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। नाम में तो 3,4-डाइऑक्सो पेंटेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद और भी कुछ एग्जांपल बता देती हूँ। तो आपको बस ये जो मेन मेन पॉइंट हैं वो तो ध्यान ही रखने हैं कि कब ऑक्सो लगाना है, कब फॉर्माइल लगाना है, कब हाइड्रोक्सी लगाना है, किस ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। तो ये चीज़ जब आपको क्लियर होगी तो आप नोमेनक्लेचर आराम से कर लेंगे। इसके बाद मैं और भी एग्जाम्पल बताती हूँ साथ में। फॉर एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है CH2 COOH CH2 COOH CH2। यहाँ पे देख रहे हैं 2 एल्डिहाइड ग्रुप लगे हुए हैं और 2 कीटोन ग्रुप लगे हुए हैं। तो एल्डिहाइड बड़ा ग्रुप होता है और कीटोन छोटा ग्रुप। तो नंबरिंग हम इधर से करें या इधर से करें, बात वही होगी, नाम वही आएगा। तो नंबरिंग हमने फॉर एग्जांपल इधर से कर दी, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे क्योंकि कीटोन छोटा ग्रुप है तो इसलिए हम कीटोन को प्रीफिक्स की तरह लिखेंगे। किस तरीके से, 2,3 पोजीशन लिखेंगे पहले, डाई, 2 ऑक्सो ग्रुप लगे हुए हैं तो इसलिए डाई ऑक्सो, और यहाँ पे 4 कार्बन एटम की चेन है तो इसलिए ब्यूटेन, क्योंकि 2 पोजीशन पे एल्डिहाइड लगे हुए हैं तो ब्यूटेन में क्या लिखेंगे, 1,4-डाई अल, क्योंकि 2 एल्डिहाइड ग्रुप लगे हुए हैं तो इसलिए इनका नाम हो जाएगा 1,4-डाई अल। तो इसके बाद मैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले भी और बता देती हूँ आपको। ये तो ग्रुप वाले थे। मान लिया दिया हुआ है CH3
CH डबल बॉन्ड CH CH। तो ये एग्जांपल दिया हुआ है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक तरफ डबल बॉन्ड है, एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड है। तो प्रायोरिटी हमें जो है किसको देनी है, आपको मैंने पिछले ही उसमें बताया था कि प्रायोरिटी जो है वो हमें डबल बॉन्ड को देनी है ट्रिपल बॉन्ड के कंपेयर में। अगर ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो हमें प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग इस हिसाब से करेंगे कि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। इधर से हम अगर करेंगे तो इसको ज़्यादा नंबर मिलेगा, इधर से करेंगे तो कम नंबर मिलेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट हैं, मतलब यहाँ पे एल्कीन और एल्काइन बन रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहले तो हमें इनका 5 कार्बन एटम की चेन है, तो क्या लिख देना है, पेंट। पेंट लिख दिया। अब 2 पे लगा हुआ है इन, तो 2 इन, और 4 पे लगा हुआ है आयन, तो 4 आयन। इसका नाम हो जाएगा पेंट 2 इन 4 आयन। मतलब जिस भी पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड का नंबर लगा के लिख देंगे, और जिस भी पोजीशन पर आयन लगा हुआ है तो आयन लगा के लिख देंगे। इसी के साथ एक और मान लिया, दिया हुआ है CH3COH डबल बॉन्ड CH CH3, मान लिया ये एग्जांपल दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बड़ा ग्रुप कौन सा है, एल्कोहल, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो नंबरिंग हमें उधर से करनी है जहाँ से एल्कोहल पास में पड़ रहा है, क्योंकि बड़ा ग्रुप यहाँ पे एल्कोहल है। तो 1, 2, 3, 4। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है कि पहले पेरेंट लिख देने हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप जो है वो एल्कोहल है, तो इसको हम प्रीफिक्स की तरह नहीं, सफिक्स की तरह लगाएंगे, यानी कि नाम के एंड में ऑल लगाएंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले 4 कार्बन एटम की चेन है तो ब्यूट, 2 पोजीशन पर है इन तो इन, और दूसरी पोजीशन पर ही है ऑल, तो इसलिए हम 2 इन ऑल इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर हम ब्यूट 2 इन 2 ऑल भी लिख सकते हैं, या फिर ब्यूट 2 इन ऑल भी लिख सकते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा ये। और इसी तरीके से मैंने क्लोरो ब्रोमो वाले आपको पहले भी बता दिए थे, तो एक दो एग्जांपल और मैं बता देती हूँ आपको साथ में। फॉर एग्जांपल दिया हुआ है CH3 CL CH2 CHO। तो इसमें तो सिंपल सा ही है कि जो क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो ये सब क्या है, सब फंक्शनल ग्रुप, तो इनको तो हम मतलब हमेशा जो है प्रीफिक्स की तरह ही लगाते हैं, तो इसलिए क्या है कि 1, 2, 3, 4 नंबरिंग दे दी इसको। उसके बाद क्या करना है कि कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है क्लोरो, 3 पोजीशन पे, तो 3 क्लोरो, और 4 कार्बन एटम की चेन है और वो भी अल लगा हुआ है, तो ब्यूटे नल इसका नाम हो जाएगा। दिया हुआ है CHO COOH। तो यहाँ देख रहे हैं एक एल्डिहाइड ग्रुप दिया हुआ है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दिया हुआ है, तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1 नंबर प्रायोरिटी इस पे रखेंगे और 2 नंबर ये। तो इसका नाम सिंपली क्या हो जाएगा, 2 फॉर्माइल, और क्योंकि 2 कार्बन एटम की चेन है तो इसलिए इथेनोइक एसिड, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो ये थे कुछ एग्जांपल आपके मिक्सिंग वाले, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गए होंगे। बाकी का कुछ और भी मैं एग्जांपल की वीडियो बना दूंगी, जिससे कि और भी क्लियर हो जाएगा आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।